हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ देखिए, नोबेल पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर बौद्धिक उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान माना जाता है। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं पियरे अगस्टिनी, जो ट्यूनीशिया के हैं, और दूसरे हैं फेरेंक क्रास्ज, हंगरी के हैं, एनी एल हुलियर जो हैं फ्रांस के हैं। तीन लोगों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने कार्य क्या किया है? प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करती हैं, इसका खोज किए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रसायन विज्ञान में पुरस्कार। तो रसायन विज्ञान में देख लेते हैं, इसमें विजेता हैं मोंगी जी वावेंडी जो फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रक्स हैं अमेरिका के हैं, अलेक्सी आई एकिमोनोव हैं जो रूस के हैं। इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण का कार्य किया है। अगला फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो कैटालिनी कारिको जो हंगरी की हैं, डू विसमैन अमेरिका के हैं। कार्य है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज और COVID-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम बनाया इन्होंने। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार में विजेता हैं जान ओलाव फ्रांस जो नॉर्वे के हैं। कार्य नवोन्मेषी नाटक गद्य का अकथनीय बातों की वाणी, भाषा नॉर्वेजियन इकाइयो नॉक्स है। अगला पुरस्कार है नोबेल शांति पुरस्कार। इसके विजेता हैं नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के हैं। ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई लड़े थे। अगला है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के सेवरिज रिक्स बैंक पुरस्कार 2023 के विजेता हैं क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका की हैं। कार्य महिलाओं में के श्रम बाजार के विचारों में बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए।